अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं, खैर वाफ़ियत से होंगे उम्मीद करता हूँ मैं। आप तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि कुछ दोस्त जब वीडियोस यूट्यूब पे प्ले करते हैं तो वो जब वीडियो ख़त्म होती है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीडियो शुरू हो जाती है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी वीडियो जो जब ख़त्म हो वो ऑटोमेटिकली दोबारा रीप्ले हो जाए। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे वीडियो को ऑटो रीप्ले किया जाता है कि वीडियो ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली वही वीडियो दोबारा शुरू हो जाए। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, तो आपने सबसे YouTube पहले अपना अपनी ओपन बनाया कर लेनी है, ठीक है? और सबसे पहले वो वीडियो सेलेक्ट करनी है जो कि आपने जिसको रीप्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं अपनी आपको बता देता हूँ, छोटी वीडियो निकाल के जो कि आपके लिए आसान भी हो जाए। जी, ये मैंने वीडियो फर्स्ट दो वीडियोज़ हैं, इनको मैं करूँगा। चले पहली एक वीडियो को करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने इसको अपनी प्लेलिस्ट में सेव करना है, ठीक है? न्यू प्लेलिस्ट यहाँ पे हमने बना लेनी है, कोई भी नाम आप रख लें। रीप्ले, ये लें जी, मैंने ये रख दी है और इसको मैं सेव करूँगा उस प्लेलिस्ट में, ठीक है? रीप्ले डन, ये सेव हो गई है। अब आपने जाना है लाइब्रेरी पे और वहाँ पे प्लेलिस्ट देखने हैं। ये देखें, रीप्ले जो मैंने बनाई थी प्लेलिस्ट, उसमें ये वीडियो आ गई है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको रीप्ले के सामने जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा है वो आपने ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको ये एक उल्टी साइड पे तीर आपको नज़र आएगा और एक सीधे हाथ पे आपको तीर नज़र आएगा, वो आपने उसको टच कर देना है, क्लिक कर देना। ये जैसे ही वीडियो आपकी ख़त्म होगी ऑटोमेटिकली ये वीडियो आपकी दोबारा से यही शुरू हो जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगी वैसे ही ये वीडियो दोबारा शुरू हो जाएगी, ये देखिए वही वीडियो दोबारा शुरू हो गई है। इस प्लेलिस्ट में आप तीन वीडियो भी रख सकते हैं, चार भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, ठीक है? ये जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। वो अपनी वीडियोस पे वाई टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, व्यूज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत ही आसान है, इसे आप जितनी मर्ज़ी प्लेलिस्ट बना लें और उसे अपने इस्तेमाल में लाएं। वैसे भी आप अगर कोई वीडियो देख रहे हैं उसे दोबारा रिप्ले में देखना चाहते हैं तो ये तरीकाकार इस्तेमाल करें। तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ये फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।